सबुतर जी, रुई को मैं स्कूल छोड़ दूंगा, तुम बाकी काम निपटा लेना। थैंक यू पापा जी, पर है कहाँ रूही? श्रवण को बुलाने गई होगी। इन दोनों का कितना अच्छा हो गया है ना, अभी ये लोग लड़ते नहीं है आजकल। बड़े हो रहे हैं ना। रोहन पुत्र, तेरी तबीयत ठीक है? आंखें क्यों सूजी हुई है? रात को ठीक से सोया नहीं? नहीं बाबा, ठीक से सोई नहीं पाया। रात भर सोशल नेटवर्किंग में लगा था ना, कुछ पुराने अच्छे दोस्तों की याद आ रही थी मुझे। क्या चाय बनाई है यार? पर ठीक तो बनाई है पापा जी। कैसी है? अच्छी है। चलो ठूस लो अपने मुंह में। ओ पुत्र, एक काम कर, थोड़ा और सो ले, फ्रेश हो जाएगा, बाद में ऑफिस चले जाना। हा? ठीक है, चल मैं चलता हूँ। चलो इसको लेकर। क्या अपने दांतों का सेल लगा रही हो? जाओ चाय लेके आओ ना, खड़े खड़े हंस क्या रही हो? नीलू, चाय निकालना भैया के लिए, एक और ताजी देना। सॉरी यार, वो जोक पढ़ रही थी मैं, मणि ने भेजा है। सो फनी, माय गॉड यार, ही इज टू क्यूट। उसको पता है कि मेरा मूड कैसे लिफ्ट करना है। अरे तुम्हारे मणि को और कुछ काम धंधा नहीं है क्या? और तू चुपचाप खाना। काम धंधा तो बहुत सारा है, लेकिन बाय द वे मेरे दोस्त बहुत सुपर्ब हैं। एक तरफ आप हो जो सुबह सुबह मुझे चाय की कड़वाहट सुनाते हो, और एक तरफ मेरे दोस्त हैं जो सुबह सुबह मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट ले आते हैं। एक जोक सुनाऊं मैं उसका वाला? वेरी वेरी नाइस जोक। हाँ, मुझे जोक सुना। नहीं सुना है, कोई इंटरेस्ट नहीं मुझे तुम्हारे मनी और उसके सड़े हुए जोक्स में। इडली सांभर वाले अपने पास ही रखो, तुम्हारे अकेले सब कुछ ऊपर हूँ। तुम्हारे भैया की प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पे जोक्स बैंड है क्या? उनकी स्माइल पे टैक्स लगता है क्या? अभी स्माइल ही नहीं करते। कुछ ज्यादा नहीं जल रहे भाई? पर जलना क्यों है भाभी? अब आप किसी के जोक पे हंसोगे, उसकी तारीफ करोगे, वो भी भाई के सामने, तो थोड़ी सी तो जलन होगी ना। और आपको पता है, जब मम्मी भी किसी लड़के की तारीफ करती ना उनके सामने, तो ऐसे ही रिएक्ट करते थे। हाँ क्या है ना, थोड़े जेलस टाइप के बंदे हो। वाजी वाह, मुझे तो बड़ा छेड़ रहे थे संजना से जलने के लिए, और अभी खुद। चलो रावण कुमार, ऐसी जलन अच्छी लगती है। नीलू, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मेरा खाना ड्राइवर के साथ भेजवा दो, और नाश्ता भी भेजवा। कुछ खाया नहीं, ऊपर से चाय पिला दी नीम के पानी वाली। मैं क्या सोच रही थी, आप तो बड़े मजाकिया किस्म के हो ना, बड़े सारे जोक्स आते हैं आपको, तो एक कोई अच्छा सा जोक सुनाओ ना मुझे, जरा फॉरवर्ड करना है। तो क्या आस रहा है, काम धंधा नहीं, ऑफिस नहीं जाना तुझे? जी भैया, बस जा रहा था। याद रखना, लेट आया ना पूरी सैलरी काटूंगा, भीख मंगवाऊंगा तेरे से। जा रहा हूँ। बटन मांग कर। जोक? तुमसे अपने जोक सर्टिफाई कराऊं मैं, इतने बुरे दिन नहीं आए मेरे, समझी? ये मनी फनी जैसा टाइम नहीं मेरे पास फालतू जोक मारने। और तो वाले नाम के दोस्त तुम्हारे पहले। आप एक बार बस मिल लो मनी से, आई अश्योर यू आपको भी प्यार हो जाएगा उससे। ओ हेलो, मैं जैसा हूँ बहुत सही, और मैं उस टाइप का नहीं, मुझे मर्दों से प्यार में कोई शौक नहीं है। कितना क्यूटली जलते हैं। दिमाग खराब हो गया मदरसे में, मुझे उस मनी से प्यार करना ही पागल। ओ हंसना हो गया तुम्हारा, मम्मी तुम पे जिम्मेदारी छोड़ के गई है, मीर और मीका की शादी की। ये खीकी खीकी बंद करो और जाओ मीका से पहले कार्ड की डिजाइन फाइनल करवाओ। हाँ भैया, ये है ना डार्क ब्लू लाइट ब्लू, इसके 200 कार्ड्स बना दो। ठीक है मैडम, आपको एक हफ्ते में कार्ड्स मिल जाएगा। मैडम आपने कहा था कि आपको अपनी शादी के लिए भी कार्ड छपवाने। हाँ, डिजाइन अभी तक अप्रूव नहीं हुआ, जैसे अप्रूवल मिलता है फैमिली से मैं आपको बताती हूँ। ठीक है मैडम, तब तक मैं आपके विजिटिंग कार्ड्स प्रिंट करवा के आपको भिजवा देता हूँ। थैंक यू। ठीक है। एक्सक्यूज मी, अशोक सर ने जो वेडिंग कार्ड सैंपल बनाने के लिए दिए थे उसके पैसे पूरे 35,000। ठीक है भैया, एक मिनट, ये अशोक सर के कार्ड्स कब तक प्रिंट हो जाएंगे? जी अभी तक उन्होंने ऑर्डर नहीं दिया है, उन्होंने तो सिर्फ सैंपल पीस बनाने को बोला था।
लेकिन उनकी शादी की डेट तो सर पे है ना? जी वड्डे लोग वड्डी बात है, अब हमें क्या पता, करवाएंगे अर्जेंट पेमेंट पे सारा काम। थैंक यू। ठीक है चलता हूँ। लेकिन शकुन तो कह रही थी कि अशोक सर ने शादी के कार्ड प्रिंटिंग में दिए हैं, तो सिर्फ एक सैंपल ही क्यों बनाया उन्होंने? ये अशोक राम शगुन के साथ कुछ खेल खेल रहा है। मनी मैं बस निकल रही हूँ यहाँ से, आई एम टोटली रेडी। अच्छा वो होटल के कैफे में है ना? ठीक है डोंट वरी, मैं पूछ लूंगी कि वो कैफे किधर है, डोंट वरी। ओके सी यू। रमन मैं एक और बार पूछ रही हूँ, चलोगे ना आप साथ में? मनी चाहता है कि आप आओ। मैंने कहा ना मैं नहीं आ सकता, मुझे बहुत काम है, वैसे भी मेरे हाथ से वो कॉन्ट्रैक्ट चला गया अशोक के चक्कर में। तुम जाओ। मैं अकेली जाऊंगी क्या? तो जाओ ना, रोका किसने? जा रहे हो। जाओ। अच्छा लिसन, खाना खा लेना, नीलू गरम कर देगी, और रूही से भी पूछ लेना खाने के लिए। हाँ तो तुम्हारे बिना भूखा नहीं मरने वाला था, जाओ। मैं रूही के लिए कह रही थी। हाँ व्हाटएवर, जाओ, मेरी भी बेटी है। चली भी गई मद्रास, और वो भी इतना बंठन के। अरे बचपन का दोस्त है तो कैजुअली जाना चाहिए ना, बंठन के जाने की क्या जरूरत है? मनी 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 तूफान खड़ा कर दिया मेरी जिंदगी। लेकिन यार दिल्ली शहर में इतनी रात को बंठन के गई है, सेफ भी नहीं है। पर छोड़ो, तुझे क्या फर्क पड़ता है, उसको समझना चाहिए ना, कुछ हो गया तो आएगा उसको मनी बचाने। उसको छोड़, मुझे क्या, कर लेगी अपने आप, है ना मनी इसका। मनी की एक्सक्यूज मी। यस मैम। टेबल रिजर्व्ड होगी मेरे नाम पे, इशिता भल्ला। जी आइए प्लीज। थैंक यू। प्लीज सिट डाउन। थैंक्स। कैसे दोस्त हैं इस मदरसे के, दोस्त को बुला के यहाँ अकेला बैठा के रखा है, क्या मैनर्स है इसके। और ऐसे ही होंगे, है तो आखिर मदरसी, और नाम भी देखो मनी। मैं तो कभी ऐसा नहीं करता यार, दोस्ती करनी है तो फिर पूरी तरह करो ना यार, ऐसी कैसी दोस्ती, बेचारी कितनी बेचैन लग रही। इशिता जी। जी I am Murli. Hello. सर ने मुझे यहाँ भेजा है। अच्छा। अबे ये चूसा हुआ आम, इससे अच्छा तो किसी अगरबत्ती के पैकेट को सूट वूट बना देती, इससे बेटर लगता। एक्चुअली वो उनको कोई अर्जेंट कॉल आ गया था, सो 10 मिनट्स में वो आ जाएंगे। नो प्रॉब्लम, इट्स ओके, इट्स ओके। ये इसका बेस्ट फ्रेंड। शे, और तू इससे डर रहा था? एक्चुअली वो आपको यहाँ पर ऐसे अकेले छोड़ना नहीं चाहते थे। That's very typical of money. वो हमेशा इतना टेंशन लेता है मेरे लिए। I know. So, बैठिए। हाँ हाँ, be seated. तू भी किससे डर रहा है यार? अपने आप को देख, तू कहाँ और वो कहाँ? तू handsome chisel face, उसकी कोई comparison? लड़कियां आज भी तुझ पे मरती हैं। कहां तू पंजाबी तंदूरी मुर्गी और ये छेद वाला मैदू वड़ा, और ये भी क्या मणि मणि कर रही है, जैसे किसी शाहरुख खान को लेके आई, और बेटी किसके साथ है? राजपाल यादव के साथ। और तभी मैं सोचूं यार, इसका नाम औरतों वाला हो, वो इतना माचो कैसे हो सकता। कोई टेंशन नहीं रमन, एंजॉय एंजॉय इशिता, इस रसम सांभर के साथ तुम मजे ले लो। सो आप टर्की ऑफिस में पोस्टेड है या दिल्ली ऑफिस में? दिल्ली वाले ऑफिस, सीपी वाले में, ब्रांच में। नाइस, आप कुछ लीजिए ना, बी कंफर्टेबल। नहीं नहीं, आई एम कंफर्टेबल, डोंट वरी। मैं चाह रही थी कि थोड़ा इंतजार कर लेते उनका, फिर इशू। रियली वेरी सॉरी। मनी,
आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी. तुम जानती हो मुझे लेट आना बिल्कुल पसंद नहीं. आई नो, बस चक्कर रखो. इट्स ओके, होता है, होना नहीं चाहिए. लेडीज को वेट करवाना बैड मैनर्स, इसलिए मैंने मुरली को भेज दिया. मैंने बहुत बातें की उससे, पर इतनी फॉर्मेलिटीज कब से करने लगे हो? ओके, यू बोथ एंजॉय योर डिनर, आई विल मेक अ मूव. मुरली, आई सेंड सम ईमेल्स, चेक देम. बाय. बैठो. हां, लेडीज फर्स्ट, ऑलवेज सो शिवलरस. चलो. लास्ट टाइम डिनर पे तुमने अपने हस्बैंड के बारे में मुझे कितना कुछ बताया. मुझे लगा वो आएगा. कहाँ है? कहीं वो डर तो नहीं गया? तुम मेरे हस्बैंड का मजाक उड़ा रहे हो. वो बस ऐसे ही नहीं आ पाए. ना ना ना, सॉरी. हाँ, ओह बहुत अर्जेंट है, कैन आई टेक दिस प्लीज? प्लीज प्लीज. थैंक्स. हेलो. हाँ हाँ, एक घंटे बाद प्लीज. थैंक यू. तो बताइए, आपके हस्बैंड क्यों नहीं आए? कहीं उन्हें कंपटीशन से डर तो नहीं लगता? ऐसा कुछ नहीं, कहीं काम में बिजी थे इसलिए नहीं आए वो. I'm sure, I'm sure. अच्छा, क्या लोगे? जूस. परफेक्ट. कैप्टन. रमन, तू जासूसी करने गया था अपनी बीवी की, वो भी किसके लिए? चूसे हुए आम के चक्कर में? क्या हो गया तुझे यार? अरविंदन, घर पे हो? फाइल लाए हो? मैं गया था चिड़ियाघर, एक नया जानवर आया उसे देखने. कुछ नहीं, आ रहा हूं. पर चलो. नाइस जूस. तो चले. क्या चले? खाना नहीं खिलाओगे? खिलाऊंगा, लेकिन घर पे. ये तो बड़ी बुरी बात है, मुझे यहाँ तक बुलाया और खाना खिलाओगे घर पे. कंजूसी नहीं कर रहा हूँ मैं. एक्चुअली आज अपने दोस्त के साथ मैंने एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया. तो लास्ट मिनट पे मेरे दोस्त ने कहा सेलिब्रेट करते हैं. मैंने कहा ठीक है, लेट्स पार्टी मेरे घर पे. इसे डबल टाइमिंग कहते हैं. मुझे यहाँ लेके आए और घर में पार्टी अरेंज की हुई है. मेरी बात इसलिए तो पटा रहा हूँ मैं आपको. यू विल बी द होस्टेस ऑफ माय पार्टी. मैं? अब तुम तो जानती हो कि मेरी जिंदगी में तो कोई है नहीं. हेल्प कर लो ना प्लीज. मेरी क्या हेल्प, तुम्हारी पार्टीज तो हमेशा परफेक्ट होती है. हां, तुम आओगी तभी परफेक्ट होगी. मैं क्या करूंगी वहां आके? मैंने कहा ना, मेरे घर में आके मेरे नए घर को और ब्यूटीफुल बनाओगी. नो, कम ऑन इशु, मैं वहां किसी को नहीं जानती. तो क्या हुआ, मुझे जानती हो? इशु, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, वहां इतने सारे लोग होंगे और तुम नहीं आओगी. नॉट फेयर, दैट्स नॉट फेयर. कम ऑन इशु, इतना मत सोचो प्लीज. इशु, ओके, नो इशु, दैट्स लाइक इट. अच्छा, एक काम करो, अपने हस्बैंड को फोन करो, उसे कहो कि वो भी आ जाए. अपना सारा काम वाम खत्म करके ही शुड जॉइन अस. और अपने बेस्टी के हस्बैंड को तो मैं मिलना ही चाहूंगा, तुम्हारी कंपनी भी हो जाएगी. इन केस मैं थोड़ा बिजी हो गया, यू नो व्हाट आई मीन. तुम अपने मैनर्स कभी नहीं भूल पाते ना मुरुगन. ऐसे मैनर्स, ऐसी पोलाइटनेस मेरे हस्बैंड को आपने क्यों नहीं दी? नॉट फेयर, नॉट फेयर. मेरे साथ कंपेयर मत करो. बट आई एम सो ग्लैड यू आर कमिंग. कैप्टन, न जाने रावण कुमार आएंगे भी या नहीं. सुबह से इतना चिड़चिड़ कर रहे थे, अभी यहाँ बुलाया तो हो सकता है जलन के मारे आ जाए. देखो वो इनसिक्योर है या नहीं. इशु, फोन करो ना अपने हस्बैंड को प्लीज, मैं गाड़ी बुलवाता हूँ. करती हूँ मैं. वो रविंद्र आ गया ना? जी. हाय रविंद्र. हाय. आपको घर पे डिस्टर्ब करने को सॉरी, लेकिन आपके लिए वो क्लाइंट का कोऑर्डिनेशन थोड़ा अर्जेंट. आई नो, आई नो, डोंट वरी. सॉरी, एक फोन कॉल. बैठो, ये लो कुछ चाय वगैरह दो ने. हेलो रमन, सुनिए ना, मैं मणि से मिलने आई थी. उसके यहाँ ना एक हाउस पार्टी हो रही है, उसने आपको भी बुलाया है. आप आओगे तो? नहीं, मैंने कहा ना चिता, मुझे बहुत काम है, मुझे नहीं आना. मैं ऐसे ही नहीं कह रही हूँ, उसने आपको बुलाया है. बड़ी जल्दी आता है उसे, पार्टी शुरू होने के आधे घंटे पहले. प्लीज अपने ईगो पे मत लो ना आप, उसने बहुत प्यार से बुलाया है आपको. देखो, अब ईगो वगैरह अपना ड्रॉप करो और आ जाओ ना, उसके यहाँ हाउस वार्मिंग पार्टी है. तुम्हारा दोस्त है ना, तो उसका हाउस वार्म करो, जला दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. मैं नहीं आ सकता. ओके, हाउ रूड. आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है? नहीं, नहीं पड़ता. अच्छा है,
मेरा फ्रेंड है तो आप मत आओ, लेकिन आपके किसी भी दोस्त की गैदरिंग होगी तो आप मुझे जरूर लेकर जाते हो। वैलेंटाइन डे वाली पार्टी या उसे तो छोड़ो। कोई भी पार्टी हो, आप मुझे बुलाते हो, मैं एक बार मैं आती हूँ ना। लेकिन नहीं, आप मेरे साथ नहीं आ सकते हो। This is so bad, रमन। मैंने आपसे कौन सी बहुत बड़ी उम्मीद रखी रमन? अब तक कुछ भी तो नहीं मांगा आपसे, कोई बड़ी मोहब्बत तो नहीं मांगी है ना? छोटी छोटी चीजें मांग रही हूँ। अगर आप सिर्फ मेरे दोस्त के खातिर आ जाते तो अच्छा होता। कम से कम उसको कुछ तो बता सकूं कि आप मेरे कौन लगते हो। अभी मैं उससे क्या बोलूं, आप बताओ। तो हाँ, तो कुछ नहीं मांग रही हो तो फिर एक्सपेक्टेशन क्यों रख रही? मत करो, जो करना है करो, खुद करो, अकेले करो। ये मैं नहीं आ सकता। रमन, मोहब्बत नहीं मांग रही तो मैं कौन सा यहाँ मोहब्बत बांटने बैठा हूँ? करो, तुम्हारी लाइफ है, तुम्हारे दोस्त हैं, करना है करो उसके साथ। एक बार भी फोन रख दिया, प्यार मोहब्बत तो दूर की बात है, खैर तक नहीं करते है मेरी। क्या हुआ? कुछ नहीं। मैं जानता हूँ क्या हुआ होगा। अपने हस्बैंड से बात कर रही थी ना, हस्बैंड वाइफ के बीच में ऐसे छोटे मोटे झगड़े होते ही रहते हैं। उसने कहा होगा तुम्हारा फ्रेंड है, तुम जाओ, मैं क्यों आऊँ? छोटी बात है, भूल जाओ। इतना समझते हो रिलेशनशिप्स को, इतने समझदार हो तो अब तक अकेले क्यों हो? समझदार हूँ इसीलिए, और वैसे भी ऐसे कोई मिले नहीं जिससे झगड़ा करने का मन करे। और जो लड़की मुझे टॉलरेट कर सके उसका मिलना तो बहुत ही मुश्किल है। I agree. तुम तो जानती हो मैं कितना झगड़ा करता हूँ, कॉलेज में कितना झगड़ा करते थे। हमने तो बचपने वाले झगड़े किए हैं। अगर एक बार मेरे और इस रावण कुमार के झगड़े देखोगे ना तो शॉक्ड रह जाओगे। ये तो अडल्ट्स वाला झगड़ा है ना, मैच्योर झगड़ा। कुछ भी। अच्छा, तुम मुझे बहुत लेट कर रही हो, लेट्स गो। चलो। जाऊं क्या उस मनी की पार्टी? मैं क्यों जाऊं? दोस्त उसका है तो वो जाए, लेकिन उससे इतनी रूडली बात की है, अब जाऊंगा तो भौंका की मदरसे। और क्यों 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 जाएगा तू पार्टी? हाँ, अगर वो चाहती कि तू पार्टी पे आए तो तुझे मनाती ना, वो एक ही बार पूछ के थोड़ी खुद चली जाती। ना मैसेज किया ना फोन किया, बट आ गई अकल ठिकाने मद्रासन। ये बैंक वाले नहीं चाहिए क्रेडिट कार्ड यार, लाइफ में डेबिट ही डेबिट चल रहा है। वैसे मद्रासन फोटो में इतनी बुरी नहीं लगती, पार्टी पे पागल है क्या? पार्टी पे जाएगा, और जाएगा तो क्यों जाएगा पार्टी पे यार? तू पे नहीं जाना है तो कपड़े क्यों निकाल रहा है? कपड़े क्यों निकाल रहा है? मनी होगा अपने घर पे, मेरी लाइफ में शनि बनकर बैठा है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।